इसी इमली के वृक्ष पर जो है 52 लोगों को एक साथ फांसी दी गई थी। प्रतिमा लगी हुई है, ये है जोधा सिंह अटैया की प्रतिमा है। इसमें केवल मेन है इमली का जो पेड़ है उसी में अंग्रेजों द्वारा नरसंहार हुआ था, 52 क्रांतिकारियों के साथ में फांसी दी गई थी और उनके शवों को भी उनके पूर्वजों को उनके घर वालों को दिया नहीं था। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। अभी मैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिला और खजुआ गांव में है, जो कि एक ब्लॉक है गांव, और ये गांव उन क्रांतिकारियों के लिए याद किया जाता है, एक ऐतिहासिक गांव है। इतिहास के पन्नों में अगर देखेंगे तो लगभग 4 से 5 हजार वर्ष पुराना इस गांव का नाम मिल जाएगा आपको देखने के लिए। और इस गांव में एक ऐसा इमली का पेड़ है जहां पर 52 लोगों को एक साथ फांसी दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। इसी गांव के मूल निवासी हैं अलकेन, जिनका जन्म 1991 के आसपास हुआ था और आज लगभग ये 35 वर्ष के आसपास 34-35 वर्ष के भैया हैं। और पहले मिलिएगा भैया से और भैया बताएंगे अपने बारे में डिटेल से। जी, मैं यहीं खजुआ के पास एक लखना खेड़ा गाँव है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम अलकेन्द्र उत्तम है, मैं भैया के साथ 52 इमली जा रहा था, इसी के बारे में मुझे थोड़ा पता है वो बताऊँगा। तो 52 इमली जो है इसके बारे में आपको क्या क्या पता है, इससे पहले दर्शकों को बताइएगा थोड़ा सा हमारे। वो एक 52 इसमें केवल मेन है इमली का जो पेड़ है उसी में अंग्रेजों द्वारा नरसंहार हुआ था, 52 क्रांतिकारियों के साथ में फांसी दी गई थी और उनके शवों को भी उनके पूर्वजों को उनके घर वालों को दिया नहीं था। शव मतलब यहीं सड़ के चूने लगे थे, तब एक क्रांतिकारी जोधा सिंह अटैया आए थे, वो उनकी शवों को ले जाके गंगा जी पहुंचाए थे। अच्छा, जोधा जी अटैया आए थे जी, वहीं पे इसके बारे में डिटेल वहाँ लिखा हुआ है। मतलब काफी लंबे समय तक जो है वहाँ पर जो फांसी लगाने के बाद सब लटके रहे। हाँ, सो मतलब उस शव को देते ही नहीं थे, उनके घर वालों को देते नहीं थे अंग्रेज। अच्छा, इनका जो क्रांतिकारी थे इनमें से मुख्य क्रांतिकारी कौन था? जोधा सिंह अटैया ही माना जाते हैं। जोधा सिंह अटैया वहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, जो बाद में आए थे जी, जी। ये खजुआ से कितनी दूर है लगभग? खजुआ से 2-2.5 किलोमीटर। 2-2.5 किलोमीटर जी। अभी हम जिस रोड पे चल रहे हैं ये मुगल रोड, ये मुगल रोड है, मुगल बादशाह रोड कहा जाता है जी, जी, जी। ये मुगल रोड है और ये इधर क्या था? डिग्री कॉलेज। ये डिग्री कॉलेज, क्या नाम है इसका? रामपाल पिटाना देवी डिग्री कॉलेज। बगल में पॉलिटेक्निक कॉलेज है। अच्छा, ये पॉलिटेक्निक कॉलेज है जी। ये सामने देखेंगे दोस्तों, ये दिखाते हैं आपको राजकीय पॉलिटेक्निक। ये राजकीय पॉलिटेक्निक फतेहपुर है, जस्ट बगल में बिंद की। अच्छा, पॉलिटेक्निक के पास ही में है, जुड़ा हुआ ये है 52 इमली जी। सामने भट्टा भी है जी। 52 इमली शहीद, दोस्तों ये है 52 इमली शहीद स्मारक पार्क परादान, ठीक है। इसका ये मुख्य गेट है और इस गेट के अंदर चलेंगे भाई। चलिए भाई, ये गेट के अंदर हम आ गए हैं, शहादत के अंदर। कौन सा इमली का पेड़ अभी है आगे सामने पार्क बने हैं। ये देखिएगा इसके अंदर का भाई नज़ारा काफ़ी अच्छा है इसके अंदर। ये क्या भैया, सभागार है क्या? सभागार। अच्छा, ये सभागार है, हमको लगा है कि यार रुकने उकने के लिए जो पर्यटक आते हैं उनके रुकने के लिए इंतजाम रहता है। अच्छा, ब्लॉक प्रमुख ने बनवाया। आप हमारे साथ बने रहना और देखना, अभी हम आपको 52 इमली जो है जहाँ पर शहादत हुई थी, फांसी दी गई थी, वो इमली का वृक्ष आज भी खड़ा हुआ है। तो चलिएगा, आपको लेके चलते हैं सीधा। ये देखिएगा, अमर शहीद क्रांतिकारी जोधा सिंह अटैया शहीद 52 अमर शहीदों के बलिदान स्थल पर 52 इमली शहीद स्मारक वन चेतना केंद्र प्रावधान का उद्घाटन। ये देखिएगा, हम आपको दिखाते हैं, ये जो प्रतिमा लगी हुई है ये है जोधा सिंह अटैया की प्रतिमा है। ये देखिएगा, ये जिन्होंने लास्ट में आकर के मतलब जो 52 थे सब जो थे उनको उतार करके अंतिम संस्कार किया था। दोस्तों ये वो इमली का पेड़ है जहाँ पर शहादत हुई थी। ये देखिए, ये भाई वृक्ष है भाई, इसको गौर से देखिएगा। इसी इमली के वृक्ष पर जो है 52 लोगों को एक साथ
फांसी दी गई थी। अब जो है हमारे साथ भैया हैं, वो कहेगा इस पेड़ के बारे में। यही वो पेड़ है जिसमें बाम क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी। ये देश को स्वतंत्र कराने में इमली का भी एक बड़ा योगदान है। अच्छा, पहले भी जंजीरें भी कुछ समय पहले लगी थी क्या इस पे? अच्छा, जिन जंजीरों से लटकाए गए थे वो यहाँ पर सब, जिनमें फांसी जिसमें दी गई थी वो वाली जंजीरें। चलिए दोस्तों, आज हमारा भी एक सौभाग्य हुआ कि हमने इस इमली का कई वीडियो देखे। मन करता था कि इस इमली के पेड़ को पास से जाके देखें कि क्या सच है और क्या झूठ। तो ये तो सच में अभी तक इमली खड़ी है और जर्जर हालत में है। ठीक है, इसके अंदर जो देखेंगे तो ये मिट्टी थी, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, दीमक इसके अंदर लग गई है। दीमक लगने लगे और ये काफ़ी पुराना हो गया भाई। कितने वर्ष हो गए होंगे लगभग? ये फांसी कब दी गई थी? 1947 पहले दी गई होगी। यहाँ कहीं लिखा भी होगा, बोर्ड में लिखा होगा। ये देखिएगा, भारत माता को अंग्रेजी साम्राज्य की दास्तान में से मुक्त कराने के लिए अक्टूबर 1857 में था। और ये जो थी तब से जनता को अंत करने के लिए दृश्य बावन क्रांतिकारियों के सब कई दिनों तक लटकते रहे। अमर शहीद जोधा सिंह के साथ ही ठाकुर महाराज सिंह रामपुर पहू ने अपने अच्छा 1900 क्रांतिकारियों के साथ 3-4 जून 1858 की रात को इनके अस्तित्व पंचरों को पेड़ से निकाल कर, मतलब ये सोच सकते हैं कि 1857 में इनको फांसी दी गई थी, से 1857 से 3-4 जून 1858 अंतिम दाह संस्कार के लिए सूरजपुर हलीघाट में। सूरजपुर तो यहाँ से दूर है। अच्छा, कोई और सूरजपुर यहाँ पड़ता है? अच्छा, हमको कानपुर। मतलब काफी लंबे समय तक लटकते रहे ये लोग। मतलब देखो, लेकिन अस्थि पंजर सड़ने लगे थे, लाशें सड़ गई थी, मतलब हड्डी बची थी भाई काफी लंबे से। ये गोरिल्ला युद्ध हुआ था उसमें कहा है, देखिए उस पे लिखा है गोरिल्ला युद्ध करते हुए अंग्रेजों को चैन नहीं लेने दिया था। तो यही दोस्तों वो पत्थर है जहाँ पर सब कुछ लिखा गया है, उनको पढ़ कर बताया। अब फिलहाल आज की बात करेंगे, वर्तमान में ये जो बावन इमली है अभी जो है अपना अस्तित्व बचाने के कगार पर ये भी खड़ी हुई है कि इसके अंदर जो है दीमक लग चुकी है, दीमक खा रही है धीरे धीरे। और जो है यहाँ पर आज जो है काफ़ी अच्छी संख्या में पर्यटक आते हैं और जो अब जो एक पूरा ये पार्क के रूप में काम करती है, पार्क है और काफ़ी अच्छी सुंदरता है भाई। ठीक, यहाँ पर बच्चों वगैरह के लिए झूलने के लिए आते थे, ये बच्चे जो हैं यहाँ पर घूम रहे खेल आते हैं कि लोकल के आसपास के बहुत लोग आते हैं और यहाँ पर दूर दूर से भी लोग आते हैं, हमारे जैसे लोग, जैसे कन्नौज से चुहे चल के आया हूँ, काफ़ी दूर से आते हैं यहाँ पर, कई बड़े बड़े यूट्यूबर भी यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर ये देखिए पूरा पार्क है अंदर का, जहाँ से देखिएगा बच्चे खेल रहे हैं। ये देखिएगा यहाँ पर ये झूला वूला झूलने के लिए है, ये बच्चों का पूरा एकदम काफ़ी ध्यान रखा गया है इस पार्क में, ये पूरा इसका नवीनीकरण कर दिया गया है, इसको तब्दील कर दिया गया पार्क में। ये भैया ये देखो पूरा कमल का फूल बनाया गया। दोस्तों रात होती तब भी मैं आपको नज़ारा ना दिखा पाता क्योंकि यहाँ पर जो है पानी नहीं है, फवारा लगा हुआ है। लेकिन जब ये कभी चल रहा होगा ना, चलेगा दोस्तों, तो वास्तव में बहुत ही मज़ा आता है। और मैं देखो भाई जान पे खेल करके पतली सी दीवार पे चल रहा हूँ, इतना डरने वाला आदमी। अब मैं देखिएगा फव्वारे के बीच में खड़ा हूँ, ये फव्वारा है। पैसा तो इन्वेस्ट किया गया है यहाँ पर, लेकिन जो है आज जो है देख रेख ना होने की वजह से यहाँ पर भी पैसे का एक तरीके से कह सकते हैं कि दुरुपयोग हो रहा है, ये पैसा गल रहा है। ठीक है, जैसे कि पुरानी इमारतें जो हमारी हैं उनको देख रेख ना होने के अभाव में आज वो खंडर पड़ी हैं, इसी तरीके से बावन इमली जो है यहाँ का जो ये पार्क में तब्दील कर दिया गया है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा खास
देख रेख नहीं होती है। और ये जो कमल का फूल है दोस्तों, ये सच में बहुत ही अच्छा है, तारीफ के काबिल है। ठीक है, काफ़ी अच्छा लगता है, बनाने वाले को भी हम शुक्रिया कहेंगे कि उसने भी काफ़ी अच्छे से इसको डिज़ाइन किया है। चलिएगा भाई आगे बाहर की ओर, तो घूमने के लिए आते हैं उनके लिए यहाँ पर इसको बैठका कहा जाता है, यहाँ के जो लोकल के लोग हैं वो इसको बैठका कहते हैं। कुछ लोग तो आराम से बैठे हैं, लेकिन उसमें से एक लोग और हैं भाई जिनका राज चलता है, राज। अगर ये अपने दांत दिखा देना तो कहीं मेरा कैमरा होगा और कहीं हम होंगे। ठीक, इनको अपना बड़ा गहराई, भाई आंखें मत खोलो, डर लग रहा है यार, आंखें भी खोल ला कह रहा है, हमको दिखा रहे, उसने गर्दन उठा ली भैया। चलिएगा दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आपको जो बावन मिली है, जहाँ पर 52 लोगों को, क्रांतिकारी जो थे उनको एक साथ फांसी दी गई थी, आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो की सूचना आपको आसानी से मिल सके। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और पेज को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी वीडियो में अच्छे अच्छे आते रहते हैं। आओ तो चलिएगा, अब चलते हैं बाहर की ओर और फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में। देखिएगा भाई, मैं गेट के बाहर आ गया हूँ। चलिएगा, ओके, बाय बाय।